हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस इंटरेस्टिंग शो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट, जो कि है ये। आप लोगों ने सही देखा, ये है सैमसंग का गैलेक्सी जेड फोल्ड 6, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है मार्केट में। आज हम बात करने वाले हैं इस फ़ोन के बारे में, जानेंगे इसकी सारी स्पेसिफिकेशन और मैं आपको दिखाऊंगा ये फ़ोन किस तरह का दिखता है। ये अभी तक लुक्स वाइज मुझे लगता है शायद वन ऑफ द बेस्ट फोन्स है इन द मार्केट। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फ़ोन के बारे में सारी चीज़ें। तो ये है फ़ोन, आपको दिख रहा है और आपको मेरे हाथ में फ़ोन लेने से इसके साइज़ का आइडिया लग जाएगा। इसका वेट है ओनली 239 ग्राम्स और ये 5.6 mm थिकनेस का फ़ोन है। ये पीछे भी गोरिल्ला ग्लास है, यहाँ पे ये जो ग्लास यूज़ हुआ है ये गोरिल्ला ग्लास है। ये मॉडल है 256 GB का और 12 GB रैम है इसमें। ट्रिपल कैमरा है, 50 MP कैमरा है इसका और इसमें स्नैपड्रैगन 8 का जनरेशन 3 प्रोसेसर लगा हुआ है। 4400 mAh की बैटरी है और स्क्रीन साइज़ आपको दिख रहा है इसका कितना मैसिव है, 7.6 inches। ये जो बटन आपको दिख रहा है ये है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे बाकी बटन्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें डुअल सिम सपोर्ट है, तो आपको दिख रहा है ये किस तरह से साइड प्रोफाइल से बहुत बॉक्सी सा शेप है इसका, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है इस फ़ोन का, तो अब मैं इस फ़ोन को आपको ओपन करके दिखाऊँगा कि ये किस तरह से दिख रहा है। तो अब हम इस फ़ोन को ओपन करते हैं। ये देखिए, हैंड में बहुत ही अमेजिंग लगता है हाथ में लेके ये फ़ोन, आपको काफ़ी अमेजिंग सा इसका स्ट्रक्चर है और ये इस तरह से ओपन होता है और अंदर आपको दिखता है मैसिव सा 7.6 inches का डिस्प्ले, जो कि है 1856x2160 pixels का। इसमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आती है, आपको दिख रहा होगा इसका साइज़ कितना बड़ा है। ये मेरे हाथ से आपको आइडिया लग जाएगा ओवरऑल साइज़ का। टच बहुत ही बटरी है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत ही हल्के से इमेज आता है। अब मैं हम सेटिंग्स मेन्यू ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से दिख रहा है। इसमें गैलेक्सी AI है, ये जो ऑप्शन आपने अभी ऊपर देखा, तो ये AI एनेबल्ड फ़ोन है। हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो इसमें आता है एंड्रॉयड 14 UI 6.1.1। जैसा मैंने बताया ये डुअल सिम सपोर्ट करता है और ये IP48 वाटर रेजिस्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 meters तक आप इसे पानी में डाल सकते हैं और वो भी पूरे 30 minutes तक के लिए। इसमें जो अपडेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 7 years तक आपको एंड्रॉयड की अपडेट्स आती रहेंगी, तो आपको फ़ोन लेके ये टेंशन नहीं है कि ये कल को आउटडेट ना हो जाए, अपडेट्स लेना बंद कर दे तो क्या होगा। अब हम करेंगे इसके कैमरे को चेक। जैसा कि मैंने बताया इसका 50 MP का कैमरा है, बहुत ही ज़बरदस्त जूम है जिसको बोलते हैं, ऑलमोस्ट 100-150x तक जूम है। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग है सामने, ये बिल्डिंग इतना दूर है कि मतलब आपको क्लियर आई से बहुत छोटी सी दिख रही थी और ये जूम कर करके इतना क्लियर दिखने लग गई है, ऐसा लग रहा है कि एकदम पास में ही है। और जब आप फोटोज भी लेते हैं और फिर माइंड में गलत मैसेज जाते हैं। अब हम बात करते हैं एकदम महंगा फोन होने के बाद इतनी क्लियरिटी के लिए आ रही है, तो इसमें है सर्किट। अच्छा ओके, कुछ बता कुछ और फीचर्स इसके। अपन सर्किल को सर्च का फीचर है, जैसे अपने बच्चे पढ़ते हैं या फिर करते हैं कि हम लोग इजराइल के जो इसने क्रॉक्स पहने हुए हैं उसको सर्च करके देखते हैं, क्योंकि ये पुराने क्रॉक्स हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल पुराने हो गए, तो ये देखते हैं कि ये मॉडल अभी भी दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो हमने इसकी पिक्चर क्लिक की और अब हम ये पिक्चर ओपन करके ये बटन को कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करेंगे और यहाँ पे सर्किल करेंगे एंड देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। वाओ, तो ये क्लियरली इसने जनरेट कर दिया है, जो एक्चुअल इसके क्रॉक्स हैं वो बता दिया है, कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ से आप ले सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सारे पेजेस आपको नीचे दिख रहे हैं। तो ये फ़ीचर इसका बहुत ही अमेजिंग है। मैं कुछ और भी चेक करके देखता हूँ कि ये क्या हर एक चीज़ के लिए दिखाता है। ये फ़ीचर हम लोगों ने आईफोन में कभी देखा नहीं। अब हम लोग सर्च करते हैं अपने गिम्बल को, जो कि है ये DJI का। फ़ोटो ओपन करी है, हम लोग देखते हैं कि ये इसको क्या दिखाता है। तो मैं इस तरह से इसको सर्किल कर रहा हूँ एंड देन वील सी। और वाओ, बहुत क्विकली रिजल्ट्स दिखाता है, आपको दिखा दिया है एग्जैक्ट कौन सा मॉडल है, DJI Osmo Mobile 6 और यही मॉडल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे AI फीचर्स हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर है, ओवरले ट्रांसलेट है,
स्केच टू इमेज है, किसी भी इमेज पे कुछ ऐड कर सकते हैं। AI फीचर्स इस फ़ोन में भर भर के हैं, जिसमें आपको इंटरप्रेटर फीचर जो कि मैंने बताया है, आप इसके थ्रू किसी से रियल टाइम कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। ये चैट के थ्रू होता है तो आपको लिखा हुआ क्लियरली दिखता रहेगा किसी भी लैंग्वेज में। इसमें रियल टाइम इमेजेस वाला ट्रांसलेशन फीचर भी है, जिसमें कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी और कंट्री में है या फिर अपनी ही कंट्री में किसी जगह है जहाँ पे रोड साइंस जो है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में और आपको नहीं आते, आप पिक्चर क्लिक करिए और उसे ट्रांसलेट करिए तो आपको समझ आ जाएगा कि वो आपकी लैंग्वेज में क्या है। ये इंटरप्रेटर वर्क करता है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में, तो आप किसी भी लैंग्वेज से उसको आइदर हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक और बहुत ही अमेजिंग AI फीचर है, वो है स्केच टू इमेज। इसका मतलब है अगर मैंने कोई भी एक इमेज क्लिक कर रखी है, जैसे कि मैंने अपनी फोटो अभी क्लिक की और मैं चाहता हूँ कि मेरे साइड में यहाँ पे कोई मैं एक डॉग बिठा दूं या जिराफ बिठा दूं, मेरे को सिर्फ स्टाइलस से या हाथ से वो ड्रॉ करना है एक डॉग या जिराफ और AI उसको एक्चुअल जिराफ या डॉग मेरे साथ में बिठा देगा बना के। माइंड ब्लोइंग फीचर्स हैं इस फोन के। ये फोन आता है वायरलेस चार्जिंग के साथ में और ये वायरलेस चार्ज शेयरिंग के साथ भी आता है, तो आप किसी और फोन को भी जिसका इस फोन से बैटरी लेवल डाउन है साथ में रख के वायरलेसली उस फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। इन द बॉक्स जैसा कि बाकी ब्रांड्स भी कर रही हैं, इसमें कोई चार्जिंग अडैप्टर नहीं आता है, आपको एक चार्जिंग केबल मिलेगी, एक सिम स्लॉट निकालने के लिए जो पिन होती है वो मिलेगी और आपको फोन मिलता है। ये फोन लॉन्च हुआ है, ग्लोबल लॉन्च हुआ है 10th of July को। इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 130,000 से 256 GB मॉडल के लिए। तो अगर आप इस फोन को एक बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग में खरीदना चाहते हैं विद फर्दर डिस्काउंट्स, डिस्काउंट कूपन्स के साथ में, स्पेसिफिकली जयपुर से है क्योंकि हम लोग जयपुर से हैं, तो आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आप लोगों को डिस्काउंट कूपन दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा जिसमें मैंने आपको सारे फीचर्स बताए और ये फोन भी दिखाया फिजिकली कैसा दिखता है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे मैसेज करिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।